माई ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी मज़े में होंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे ये सनफ्लावर क्रोशेट बास्केट। ये देखिए, मैंने बास्केट का ये मॉडल बनाया है। आप इसी मेथड से कितनी भी बड़ी बास्केट बना सकती हैं। मैंने इसको सनफ्लावर की थीम दी है, बट आप इसे किसी भी कलर्स में बना सकते हैं। तो आपको ये बास्केट कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये बास्केट अच्छी लगे तो फिर आप तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, क्योंकि उसी से आपको मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट मिलती रहेगी। और अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि इस वीडियो के कुछ पोर्शन में, यानी कि हार्डली 2 मिनट के पोर्शन में जो है साउंड में डिस्टरबेंस आई है, तो सॉरी फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लेकिन अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे, हेडफोन लगा के सुनेंगे, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। और मैंने उसके लिए उस उतने पोर्शन में सबटाइटल्स भी दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ और इस बास्केट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस बास्केट को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम जो यार्न है वो डबल लेंगे, क्योंकि हमें इसको एकदम थिक बनाना है। जो मेरा क्रोशेट हुक है ये 5.0 mm का है। तो सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे और उसमें हमें इस तरह से पहले एक चेन बनाएंगे, उसके बाद में हमने जो है 7 सिंगल क्रोशेट करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 7 हो गए। अब हम यार्न को इस तरह से टाइट कर लेंगे और यहाँ पर हमने जो है एक स्लिप स्टिच करके राउंड को क्लोज कर देना है। अब हमें क्या करना है, एक चेन बनानी है और सेम स्पेस में हमें एक और सिंगल क्रोशेट करना है। फिर नेक्स्ट में भी हमें 2 सिंगल क्रोशेट करने हैं। अब हमें हर चेन में 2 सिंगल क्रोशेट करने हैं। ये 1 हो गया और नेक्स्ट चेन में भी हम इसी तरह से 2 सिंगल क्रोशेट करेंगे और इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे जो है ये 7 लूप में हमने 2 सिंगल क्रोशेट किया, तो हमारे ये हो गए 14 सिंगल क्रोशेट्स। 14 के बाद हमने यहाँ पर इस तरह से सेकंड राउंड को क्लोज कर दिया स्लिप स्टिच करके। फिर से एक चेन लेंगे। अब यहाँ पे हम सेम स्पेस पे एक बार जो है फिर से सिंगल क्रोशेट करेंगे, यानी एक चेन में 2 कर दिया हमने। अब नेक्स्ट चेन में हमें 1 सिंगल क्रोशेट करना है और उससे नेक्स्ट चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशेट करने हैं। 1, 2 ठीक, नेक्स्ट में 1 करेंगे, 1 हो गया, उससे नेक्स्ट में हमने 2 करने हैं। 1, 2 फिर नेक्स्ट में 1 करेंगे और उससे नेक्स्ट में 2 करेंगे, यानी एक बार 1 सिंगल क्रोशेट करना है और एक बार 2 सिंगल क्रोशेट करने हैं। ठीक है जी, तो लास्ट में 1 सिंगल क्रोशेट करने के बाद यहाँ पे हमने यहीं से राउंड स्टार्ट किया था और यहाँ पे हम कर देंगे स्लिप स्टिच।
तो ये देखिए, ये जो इसका बेस है वो इसी तरह से बनाना है। मैं आपको समझा देती हूँ कि अब हमने क्या किया, एक सिंगल क्रोशेट किया और नेक्स्ट में हमने दो किए, ठीक है। अब नेक्स्ट राउंड में हमने क्या करना है कि दो सिंगल क्रोशेट करने हैं दो चेन में, और उसके बाद एक साथ दो सिंगल क्रोशेट करने हैं, फिर एक चेन में एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन में एक सिंगल क्रोशेट, दो बार कर लिए। उसके बाद थर्ड चेन में दो सिंगल क्रोशेट एक ही चेन में करने हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया इस तरह से। उसके बाद जो नेक्स्ट रो है उसमें हम तीन सिंगल करेंगे और फिर फोर्थ नंबर की चेन पे हम डबल सिंगल क्रोशेट करेंगे। मतलब इसी तरह से हम बढ़ाते रहेंगे। पहले हमने सारे डबल किए, ठीक है। अब हमने सिंगल क्रोशेट किया, सिंगल, और एक में दो सिंगल क्रोशेट किए, फिर दो सिंगल क्रोशेट करने हैं, और फिर थर्ड में एक साथ दो सिंगल क्रोशेट करने हैं, उसके बाद तीन सिंगल क्रोशेट करने हैं, और फोर्थ में दो सिंगल क्रोशेट एक साथ करने हैं। तो इसी तरह से हमने हर लेयर में जो है ना, अपना जो ये डिस्टेंस है दो सिंगल क्रोशेट का एक साथ करने वाला, उस डिस्टेंस को एक एक पॉइंट करके बढ़ाते रहना है। और इस तरह से हमें जो है 7 रोज़ बनानी है, ठीक है। और तब तक हमारे जो यहाँ पर जो हमारे सिंगल क्रोशेट है वो पूरे 60 हो जाएंगे, ठीक है जी। तो मैं पहले बना लेती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं इसको बना लेती हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता दिया मेथड। तो उसी तरह से हमें 7 रो इस तरह से बनानी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे ये 60 यहाँ पर सिंगल क्रोशेट हो गए हैं। अब हमें इसे स्लिप स्टिच करना है, लेकिन स्लिप स्टिच करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से पलट देंगे। पहले हम पलट देंगे स्लिप स्टिच करने से पहले, और फिर यहाँ से क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, देखिए इस तरफ से क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, और इनको हम क्रोशिया के हिस्से इस तरफ को इस तरह से निकालेंगे। अपना जो वर्क है इसको काम कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये हमने स्लिप स्टिच कर दिया, एक चेन बनाएंगे, और उसके बाद ये जो नेक्स्ट हमारा स्पेस है, नेक्स्ट जो चेन है उसमें हमने ऐसे स्लिप स्टिच करना है, ये देखिए इस तरह से हर चेन में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करते जाना है। इस तरह से राउंड को कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर एक स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारा राउंड इस तरह से कंप्लीट है, ठीक है। ये हमारा बेस बन गया। अब ये इस तरह से हमारा बेस बन गया। अब हम इसे वापस, इस तरह से हमने बनाया बेस, अब हम इस तरफ को टर्न कर लेंगे अपने वर्क को वापस। हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच किया, यहाँ पे चेन बनाएंगे, और अब जो है जैसे ये दो हमारे चेन होती है, इसको हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, इस दोनों में हम नहीं करेंगे, ये जो बैक साइड की है ये इस पे हमें इस तरह से एक 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 जो है सिंगल क्रोशेट करना है, ये देखिए इस तरह से लेना बैक साइड। हमें इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। राउंड कंप्लीट हो गया, और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो अब हम एक चेन बनाएंगे, और चेन बनाने के बाद हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। 60 हमारे सिंगल क्रोशेट है, 60 के 60 सिंगल क्रोशेट में हमने इस तरह से जो है सिंगल क्रोशेट करते जाना है, हर सिंगल क्रोशेट में। ये हमारे 60 सिंगल क्रोशेट्स हैं, तो ये 60 ही रहने चाहिए। हमें कहीं पे भी ना तो डिक्रीज करना है ना ही इंक्रीज करना है, सिर्फ इसके ऊपर हर चेन पे हमें एक एक सिंगल क्रोशेट करते जाना है।
तो हमें अपने पॉट की गहराई जितनी भी बना रही है उसके हिसाब से हमें जो है यहाँ पर उतनी जो उतने राउंड बनाने हैं। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो इसके बाद इन्हीं 60 जो हमारे ये सिंगल क्रोशेट थे उनको हमने बुनते हुए यहाँ पर 9 रो मैंने बना ली है। आप जितनी इसकी गहराई बनाना चाहते हैं आप उतने राउंड बना सकते हैं। और हमारा ये इस तरह से बाउल जो है तैयार हो गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए एक चेन बनाएंगे और उसके बाद बैक साइड से बनानी है। सिर्फ एक में बनाना है, ये जो एक है। ठीक है जी, तो इसमें हम एक इस तरह से सिंगल क्रोशेट करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे भी हम इसी तरह से चेन है बैक साइड वाली पे हमने इस तरह से सिंगल क्रोशेट करते जाना है। इस तरह से ये देखिए, हम सिर्फ पीछे वाली चेन पे वर्क कर रहे हैं। ये दो चेन होती हैं, एक दो, हम आमतौर पर इस तरह से इन दोनों के बीच में इस तरह से लेते हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि यहाँ से ये सिर्फ बैक वाली जो चेन है उसके ऊपर हमें सिंगल क्रोशेट करना है। इस तरह से ये फ्रंट की लेयर है और पीछे वाली चेन पे हमने ये सिंगल क्रोशेट किए हैं। इस तरह से ये दो चेन है, एक दो, और हम यहाँ सेंटर से यहाँ पीछे वाली चेन में इसको इस तरह से सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर जो है एक स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बना के हम यहाँ पर यार्न को कट कर लेंगे। ठीक है, आप हमारा जो ये बास्केट या बाउल जो भी कह लीजिए ये बिल्कुल तैयार है। तो अब जो है हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे और यहाँ पर हम सिंगल यार्न को लगाएंगे और जो क्रोशेट है वो भी मैंने यहाँ पर 4.0 mm का ले लिया है, ये देखिए। ठीक, तो अब हम इससे स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये जो चेन होती है इसकी बैक साइड पे हम क्रोशिया के हुक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसे जो है इस तरह से ऐड करेंगे, इस कलर को लॉक कर देंगे। उसके बाद 1, 2, 3, अब हमने 3 यहाँ पे चेन बनानी है और एक चेन को हमने यहाँ पे स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में हमने इस तरह से एक सिंगल क्रोशेट करना है। फिर 1, 2, 3, 3 चेन बनाने के बाद फिर हम यहाँ पर एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में बैक वाली साइड पे इस तरह से एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। अगेन 1, 2, 3, 3 चेन बना ली, यहाँ पे एक चेन को स्किप करेंगे और इस चेन की बैक वाली साइड में लूप है उसमें हमने ये सिंगल क्रोशेट करना है। फिर 1, 2, 3, 3 चेन बनानी है, एक चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन के बैक लूप पे हमें सिंगल क्रोशेट करना है। तो इसी तरह से हम जो है इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमने जहाँ से स्टार्ट किया था उसी स्पेस में हमने इसको स्लिप स्टिच करना है एंड स्लिप स्टिच करने के बाद अब हम ये जो नेक्स्ट स्पेस है फर्स्ट उसमें भी हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर हम एक और चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक बनाना है हमने डबल हाफ क्रोशेट, उसके बाद में एक डबल क्रोशेट, फिर एक दो,
दो चेन बनानी है और यहाँ पर हमने पिको बनाना है इस तरह से। ये दो लूप क्रोशिया के हुक पे लेने हैं और ये इस तरह से लूप निकाल के यहाँ से स्लिप स्टिच कर देना है। फिर सेम स्पेस पे एक और डबल क्रोशेट, फिर एक डबल हाफ क्रोशेट, उसके बाद एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम एक इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट स्पेस में हमने एक स्लिप स्टिच करना है पहले इस तरह से, उसके बाद एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद हम एक डबल हाफ क्रोशेट करेंगे, फिर एक डबल क्रोशेट करेंगे, डबल क्रोशेट करने के बाद हमने यहाँ पे एक दो चेन बना के एक पिकोट करना है। अगेन एक डबल क्रोशेट सेम स्पेस में, फिर एक डबल हाफ क्रोशेट, फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर एक इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट स्पेस में आ जाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, पहले एक चेन बनाएंगे, उसके बाद डबल हाफ क्रोशेट, एक डबल क्रोशेट, पिको यानी दो चेन और ये दो लूप को उठाकर इसमें से लूप निकालना है और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देना है। अगेन एक डबल क्रोशेट, फिर एक इस तरह से डबल हाफ क्रोशेट, एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद एक स्लिप स्टिच कर देंगे और नेक्स्ट स्पेस में आ जाएंगे, स्लिप स्टिच से स्टार्ट करेंगे और स्लिप स्टिच से ही एंड करेंगे। तो इस तरह से हमने राउंड है इसको कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर एक स्लिप स्टिच ले लेंगे, एक चेन बनाएंगे और यार्न को कट कर देंगे यहाँ पे। तो हमारा ये राउंड का काम हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, फिर से एक स्लिप नॉट लगानी है और ये देखिए, जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बैक स्टिच से किया था तो ये एक हमारी लेयर ऐसे बनती जा रही थी। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस यार्न को जो है ऐड करेंगे, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे हमने एक स्टिच पे किया और एक स्टिच को स्किप किया था और एक स्टिच पे किया। तो अब हमें स्टार्ट करना है जिस स्टिच को हमने स्किप किया था उस स्टिच के साथ में, ये देखिए ये नीचे, ठीक है, उस वाली लाइन पे जो हमारा लूप है इसमें हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है जी, इस तरह से ऐड कर लिया हमने यार्न को। अब हम यहाँ पर भी एक दो और तीन, तीन चेन बनाएंगे और यहाँ पर एक लूप को स्किप करना है। नेक्स्ट लूप को हम स्किप करेंगे, इसे हम स्किप करेंगे और ये थर्ड नंबर के का जो लूप है उसमें हमने एक इस तरह से सिंगल क्रोशेट करना है। फिर से एक दो तीन,
तीन की चेन बनाएंगे, एक लूप को यहाँ पर स्किप करेंगे और इस वाले लूप में हमने जो है फिर से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिट करना है। अगेन तीन चेन बना ली, इस लूप को स्किप करेंगे और इस लूप पे हमने सिंगल क्रोशिट करना है। तो इसी तरह से इस राउंड को हमने कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए एक को स्किप करेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर एक, दो, तीन। अब एक को यहाँ पर स्किप करेंगे और यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी स्पेस में हमने एक स्लिप स्टिच करना है और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। अब हमने स्पेस में आना है और यहाँ पर हम करेंगे एक सिंगल क्रोशेट, फिर हम करेंगे एक स्पेस के अंदर एक डबल हाफ क्रोशेट और उसके बाद में एक डबल क्रोशेट और फिर हमने करना है यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशेट। ट्रिपल क्रोशेट मतलब दो बार यार्न को क्रोशिया के हुक पे लेना है और दो दो करके लूप निकालने हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक, दो, दो हमने चेन बना ली और यहाँ पे हमने बनाना है क्या, पिको। तो उसके लिए हम इस तरह से ये दो जो लूप है वो क्रोशिया के हुक पे ले लेते हैं और यहाँ पे इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देते हैं। अब हमें फिर से एक ट्रिपल क्रोशेट करना है। एक डबल क्रोशेट करना है फिर डबल हाफ क्रोशेट करना है और उसके बाद हमने करना है एक सिंगल क्रोशेट। ठीक। अब नेक्स्ट स्पेस में आएंगे। इस तरह से हमारा ये वाले जो पैटर्न है वो इस तरह से बनेंगे। अब हम नेक्स्ट स्पेस में आएंगे, सिंगल क्रोशेट से स्टार्ट करेंगे, डबल हाफ क्रोशेट, उसके बाद एक डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट के बाद हमें एक ट्रिपल क्रोशेट करना है पिको करेंगे दो की चेन बनाने के बाद इस तरह से। फिर से इसी स्पेस में एक ट्रिपल क्रोशेट, एक डबल क्रोशेट, एक डबल हाफ क्रोशेट और एक सिंगल क्रोशेट। तो ये देखिए इस तरह से ये वाले पेटल्स हमारे बनेंगे। तो हमने इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो ये देखिए ये हमारा राउंड जो है इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बनाएंगे और यार्न को कट कर देंगे। अब हमें जो है इसे हाइड करना है टेल को। तो हमारी ये सनफ्लावर बास्केट अब रेडी है। तो गाइस आई होप कि आपको ये सनफ्लावर बास्केट पसंद आई होगी और इसका मेथड भी समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ में।
तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय टू प्ले विद कलरफुल थ्रेड्स।